तो लोड हो चुका है, आप देख सकते हैं और कितना ज़्यादा लोड हो गया है। इतना अभी तक पहली बार लोड कर रहा है। तो ये दोस्तों अभी उतने को चालू हो गया है, चलते हैं दोबारा खाद को लेने, कल्टीवेटर पे ही लाना है। तो उसको कल्टीवेटर पे ही लाना है दोबारा भी खाद को, उसको खाली को नहीं जोड़ना है, खाली जोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, चलाना पड़ता है, मिट्टी को भी जोड़ना है, चलाना पड़ता है, बेटर भी लोड करते हैं, ज़्यादा भी ज़्यादा भी नहीं है, तो लोड करते हैं फिर आपको मिलते हैं। तो लोड हो चुका है, आप देख सकते हैं और कितना ज़्यादा लोड हो गया है। इतना अभी तक पहली बार लोड कर रहे हैं। फुल कैपेसिटी आज पता चलेगा कितनी सिलाई का कैपेसिटी है, कितना उठाता है। तो लिया करें तो उसको ट्रैक्टर उठाएगा कैसे नहीं। और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, उसको आप गिन सकते हैं कितने। तो वो दोस्तों ट्रैक्टर आ रहा है, देख सकते हैं। और यहीं पर ही दोस्तों गिराना है इसको, अनलोड करना है कल्टीवेटर को। और इसकी लोड दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लोड है। तो दोस्तों खेत में ट्रैक्टर जा रहा है, तो इस खेत में दोस्तों इतने ही डालना है, तो इस खेत में डाल दिए हैं, अनलोड कर दिए हैं, गिरा दिए हैं। और दोस्तों चलना है दूसरे खेत में लेकर ये इतनी बोरी, तो इसको चलते हैं दूसरे खेत में लेकर। जोतने जा रहे हैं, तो ये दोस्तों अब जोतने को चालू हो गया है।
और यह गहराई आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी ज़्यादा गहराई लगी हुई है ये आप इसके फार से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए गहराई दोस्तों, और वो पहुंच गया उस तरफ। तो उस तरफ भी दोस्तों कोने में रह गया था, तो वहाँ बैक करके रख रहे हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं पहले के हाई गियर में, पास से मोड़ रहे हैं ट्रैक्टर को, इसलिए थोड़ा सा कल्टीवेटर मोड़ पर उठाना पड़ता है। और ये यहाँ देखिए, ये बिल्कुल पास में और ये भी बिल्कुल पास में दोस्तों मुड़ा, इसलिए उठाना पड़ रहा है। और जब दूर से मोड़ते हैं तो नहीं उठाना पड़ता है दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है तब। और इसके गियर की बात करें दोस्तों, तो इतनी टाइम ये पहले के हाई गियर में चल रहा है, आप इसकी स्पीड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ ट्रैक्टर चल रहा है। और आरपीएम की बात करें दोस्तों, 1500 आरपीएम के लगभग चल रहा है। और इसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कितना लोड बता रहा है ट्रैक्टर। तो ये खेत भी दोस्तों बिल्कुल जोतने वाला ही है, केवल एक दो बार इसमें बचा हुआ है और उसके बाद भी एक दो बार बचा हुआ है। बस दोस्तों बहुत इसमें एक बार इसमें बचा हुआ है और उसमें भी दोस्तों एक बार ही बचा हुआ है, एक बार आएगा और फिर एक बार चला जाएगा, बस दोस्तों दो बार में हो जाएगा। तो बस जोत गया खेत।
अब दोस्तों बिल्कुल जोत गया है, अब केवल एक बारिश में बचा हुआ है इसके पास में, बस पूरा खेत जोत गया। और ये दोस्तों यहाँ पर कोने में रह गया, तो अभी इसको बैक करके धर लेंगे। आ रहा है ट्रैक्टर, तो दोस्तों आ रहा है यहाँ पर रह गया, इसलिए बैक करके लेकर आ रहे हैं। तो बस दोस्तों पूरा खेत जोत गया है, अब चलते हैं दोस्तों घर को लेकर।